हेलो दोस्तों, आज हमारे सामने प्रेजेंट है होंडा की ऑल न्यू SP125 BS7 गाड़ी E20 अपडेट के साथ में। दोस्तों, SP125 को इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन जैसे इस गाड़ी में BS7 का अपडेट आया और यह जो गाड़ी है E20 की टेक्नोलॉजी के साथ इंडियन मार्केट में आई है, तब से इस गाड़ी का जो डिमांड है और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों, यही कारण है कि गाड़ी जो शुरू में आने से पहले ही प्री बुक हो जा रही थी, बट दोस्तों अब अपने नज़दीकी शोरूम श्री श्याम मुंडा कुरुद में गाड़ी जो है अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप कुरुद या फिर कुरुद के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हो तो आप डेफिनेटली शोरूम में आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों, आज हम इस गाड़ी का फुल डिटेल रिव्यू करेंगे, इस गाड़ी के सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, फीचर्स के बारे में, साथ में इस गाड़ी में हुए बदलाव के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि बाइक और स्कूटी से रिलेटेड इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के लुक्स की। तो गाड़ी का जो लुक्स है बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, गाड़ी के फ्रंट में आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग में आपको इसका वाइजर देखने को मिल जाते हैं। सेंटर में आपको स्टिकर में होंडा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। दोस्तों, वाइजर के दोनों साइड की बात की जाए तो वाइजर के दोनों साइड में आपको कुछ इस तरीके से ऑल न्यू ग्राफिक्स का वर्क देखने को मिल जाता है, जो कि इसको पहले से और भी ज़्यादा स्पोर्टी और इनहेंस बनाते हैं। साथ में दोस्तों, इधर से भी आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से इसमें आपको ग्राफिक्स का वर्क देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट हेडलैम्प सेटअप की। तो इस गाड़ी में आपको फुल्ली LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसकी विजिबिलिटी आपको नाइट में बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, जैसे हम इस गाड़ी के चाबी को ऑन करते हैं, गाड़ी का जो लो बीम है कुछ इस तरीके से ब्लिंक करने लग जाता है। दोस्तों, इस गाड़ी में आपको बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी देखने को मिलने वाली है। इस गाड़ी के अगर हाई बीम की बात की जाए तो हाई बीम भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ओवरऑल इस गाड़ी के फ्रंट हेडलैम्प सेटअप में आपको बहुत ही अच्छी लाइटिंग देखने को मिल जाती है। गाइस, इस गाड़ी में आपको टर्न इंडिकेटर जो है नॉन फ्लेक्सीबल टाइप देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कंपनी ने हैलोजन बल्ब का यूज़ किया है। दोस्तों, ओवरऑल इस गाड़ी के फ्रंट में आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी के साइड में लाइट देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इस गाड़ी के फ्रंट में आपको नंबर प्लेट इंस्टॉल करने के लिए भी आपको जगह देखने को मिलता है, जिसमें आप अपना नंबर इंस्टॉल करा सकते हो। गाड़ी के फ्रंट मडगार्ड की बात की जाए तो पूरी तरीके से आपको ग्लॉस ब्लैक कलर की फिनिशिंग में इसका फ्रंट मडगार्ड देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियमनेस इस गाड़ी को प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, होंडा कंपनी ने इस गाड़ी के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का यूज़ किया है, जो कि राइडिंग के टाइम में अच्छा खासा कंफर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। सस्पेंशन के दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स भी लगे हुए मिल जाते हैं। गाइस, अब बात करते हैं इस गाड़ी के टायर के बारे में। तो इस गाड़ी के फ्रंट में होंडा कंपनी ने 8018 का MRF कंपनी का ट्यूबलेस टायर लगा करके दिया है। साथ में गाड़ी के फ्रंट में आपको 18 इंचेस के ब्लैक कलर के काफ़ी स्टाइलिश अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस सेगमेंट में इस गाड़ी को काफ़ी एडवांस बनाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम की। तो इस गाड़ी में आपको डिस्क और ड्रम दो टाइप के ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। इस गाड़ी में आपको 240 mm की चौड़ी पट्टी वाली डिस्क ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, ओवरऑल गाड़ी में फ्रंट में आपको काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की। तो गाड़ी का जो रियर प्रोफाइल है वो भी आपको काफ़ी स्पोर्टी आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इस गाड़ी का जो टेल लैम्प है वो आपको नॉर्मल हैलोजन बल्ब के यूज में देखने को मिल जाते हैं। गाइस, जैसे हम इस गाड़ी की चाबी को ऑन करते हैं, गाड़ी का जो टेल लैम्प है वो ऑटोमेटिक ब्लिंक करने लग जाता है। दोस्तों, इसमें आपको हैलोजन बल्ब का यूज देखने को मिलता है। काफ़ी स्टाइलिश इसका लुक को बनाया कंपनी ने। दोस्तों, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स लगे हुए मिल जाते हैं। रियर नंबर प्लेट के लिए आपको लाइट देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों, पिछले नंबर प्लेट के लिए आपको जगह भी देखने को मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर्स आपको फ्रंट वाले देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको अगेन हैलोजन बल्ब का यूज देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, रियर वाला टायर की बात की जाए तो इस गाड़ी के रियर में भी आपको फ्रंट वाला ही 8018 का MRF कंपनी का टायर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, टायर जो दिखने में थोड़ा सा चौड़ा आपको देखने को मिल जाता है, बट साइज़ जो है फ्रंट वाली आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ में 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं ब्लैक कलर के साथ में। गाड़ी के रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, सस्पेंशन की बात की जाए तो इस गाड़ी के रियर में आपको रेड कलर में 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर वाला सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जिसे अपने अकॉर्डिंग 5 स्टेप में एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों, इस गाड़ी में आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग में मेटल की बॉडी का बना हुआ ग्रैबरल देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। दोस्तों, सीटिंग पोजीशन की बात की जाए तो दो लोगों के लिए आपको बहुत ही अच्छी और आरामदायक सीट इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं, जो कि राइडिंग के टाइम में अच्छा खासा कम्फर्ट प्रोवाइड करने वाला है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की। तो यार, इस गाड़ी का जो फ्यूल है काफ़ी ब्रॉड आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी और अट्रैक्टिव लुक्स इस गाड़ी के फ्यूल टैंक में आपको देखने को मिल जाता है।
दोस्तों दिखने में गाड़ी जो स्पोर्ट्स बाइक की तरह आपको देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक के दोनों साइड में आपको टैंक काउंट के भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस गाड़ी के फ्यूल टैंक के दोनों साइड में आपको ऑल न्यू ग्राफिक्स का वर्क देखने को मिल जाते हैं। साथ में टैंक काउंट के दोनों साइड में आपको कुछ इस तरीके से ग्लॉसी फिनिश का यूज़ देखने को मिल जाते हैं, जिसके ऊपर आपको होंडा का 3D में लोगो देखने को मिल जाते हैं। साथ में दोस्तों इस गाड़ी के फ्यूल टैंक के दोनों साइड में आपको कुछ इस तरीके से फाइबर की बॉडी का यूज़ देखने को मिल जाता है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और अट्रैक्टिव लगता है। दोस्तों इस गाड़ी के फ्यूल टैंक में अब आपको सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिल जाता है कि यह जो गाड़ी है अब E20 के टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है। गाइज इस गाड़ी के साइड पैनल की बात की जाए तो साइड पैनल पर आपको SP125 की नई स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और अट्रैक्टिव लगता है। साथ में आपको ग्राफिक्स का भी वर्क देखने को मिल जाता है, जो कि फ्यूल टैंक से होता हुआ साइड पैनल पर आता है, और साइड पैनल के साथ में सीट काउल पर भी आपको इसका वर्क देखने को मिल जाता है, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी के एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट का पैटर्न आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों एग्जॉस्ट पर आपको कैथलेटिक कन्वर्टर मिलता है, जो कि BS6 की सभी गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं। साथ में आपको साइलेंसर के ऊपर में क्रोम के मफलर के यूज़ देखने को मिल जाता है, जो कि इसके लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और अट्रैक्टिव लगता भी है। गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के हैंडल पोजीशन की। तो इस गाड़ी में आपको सिंगल पीस में हैंडल पोजीशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि ग्लॉसी ब्लैक कलर के फिनिश में काफ़ी अच्छा लगता है, और सेंटर में आपको होंडा का बेजी भी इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाता है। गाइज इस गाड़ी का जो मिरर का पैटर्न कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इस गाड़ी के लेफ्ट हैंडल बार की। तो इस गाड़ी के लेफ्ट हैंडल बार पर आपको हाई बीम लो बीम के साथ में पास लाइट के लिए भी स्विच मिल जाता है। दोस्तों इस स्विच के माध्यम से आप हाई बीम लो बीम और पास लाइट के लिए यूज़ कर सकते हो। टर्न इंडिकेटर्स के लिए स्विच मिल जाता है, और हॉर्न के लिए आपको स्विच देखने को मिल जाते हैं। राइट साइड की बात की जाए तो इस गाड़ी के राइट हैंडल बार पर आपको डेडिकेटेड साइलेंट स्टार के लिए आपको सेल्फ का स्विच मिल जाता है, और इसी स्विच से आप इस गाड़ी के इंजन को किल भी कर सकते हो। जैसे आप ऊपर की ओर प्रेस करते हो गाड़ी जो है बंद हो जाती है। तो यार इस गाड़ी में आपको साइलेंट स्टार का फीचर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस गाड़ी के मीटर कंसोल की। तो इस गाड़ी में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर का कंसोल देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस गाड़ी के मीटर कंसोल की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर में इको मोड देखने को मिलता है। जब आप अपने गाड़ी को 40 की स्पीड में चलाते हो तो गाड़ी का इको मोड जो है ग्रीन कलर में ब्लिंक करती है, और जब आप इसे हाई स्पीड पर ले जाते हो तो गाड़ी का जो इको मोड है वो रेड कलर में ब्लिंक करने लग जाती है। दोस्तों इस गाड़ी के मीटर कंसोल में आपको यहाँ पर इंजन चेक लाइट देखने को मिलता है। न्यूट्रल के लिए इंडिकेशन देखने को मिल जाता है, जैसे हम गियर लगाते हैं ये जो न्यूट्रल का लाइट है वो बंद हो जाता है। इसी के साथ में आपको हाई बीम और लो बीम के लिए इंडिकेशन देखने को मिल जाता है, और इस गाड़ी के मीटर कंसोल में आपको साइड स्टैंड के लिए भी आपको इंडिकेशन देखने को मिलता है। देख लीजिए मीटर कंसोल में साइड स्टैंड के लिए आपको इंडिकेशन देखने को मिल रहा होगा। जैसे मैं इस गाड़ी के साइड स्टैंड को अप करूँगा, मीटर कंसोल से साइड स्टैंड का जो सिम्बॉल है वो ब्लिंक करना बंद कर देगी। तो ये फीचर्स इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है। साथ में आपको टर्न इंडिकेटर्स के लिए भी इस गाड़ी में आपको इंडिकेशन देखने को मिल जाता है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी के डिजिटल मीटर की। तो डिजिटल मीटर में आपको यहाँ पर फ्यूल गेज इफिशेंसी देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपका स्पीड शो करता है, साथ में यहाँ पर आपको टाइम भी मिल जाता है, यहाँ पर आपका गियर पोजीशन इंडिकेशन शो करता है। जैसे हम इस गाड़ी के गियर को बढ़ाते हैं या कम ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पर आपका डिजिटल मीटर में वो शो करने लग जाता है कि आपकी गाड़ी जो है कौन से गियर पर चल रही है। इसी के साथ दोस्तों इस गाड़ी के मीटर कंसोल में आपको दो स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप इस गाड़ी के मीटर कंसोल को ऑपरेट कर सकते हो। दोस्तों इस बटन से आप इस गाड़ी की ट्रिप ए को सेट कर सकते हो, ट्रिप बी को सेट कर सकते हो, साथ में दोस्तों यहाँ पर आप किलोमीटर भी देख सकते हो, आपकी गाड़ी जो है कितना एवरेज अभी दे रही है उसको भी आप देख सकते हो, और सबसे एडवांस फीचर्स जो इस गाड़ी को ख़ास बनाता है, आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में जितना पेट्रोल रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी जो है कितना रेंज कवर करेगी या कितना दूर और चलेगी, यह फीचर्स इस गाड़ी के मीटर कंसोल में आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये फीचर्स इस गाड़ी को बहुत एडवांस बनाते हैं, और यहाँ पर भी आपको स्विच मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप इस गाड़ी के टाइम को सेट कर सकते हो। तो दोस्तों इतने सारे फीचर्स इस गाड़ी के मीटर कंसोल में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस बनाते हैं। गाइस अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तो इस गाड़ी में 123.94 cc का 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर SI ESP टेक्नोलॉजी के साथ में BS7 कंप्लाइंट इंजन इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पर काम करता है।
दोस्तों इस गाड़ी के इंजन से आपको 10.8 PS का मैक्सिमम पावर मिलता है 7500 RPM पर और 10.9 Nm का टॉर्क मिलता है 6000 RPM पर। गाड़ी में आपको पावर और पिकअप बहुत अच्छी मिल जाती है। गियर्स की बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको टोटल 5 स्पीड मैनुअल गियर का ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें पहला गियर सामने आता है, बाकी 4 गियर पीछे लग जाते हैं। दोस्तों इस गाड़ी के साइड स्टैंड पर कंपनी ने साइड स्टैंड इंजन का डब्बा फीचर्स लगा करके दिया है, जो कि पॉइंट ऑफ सेफ्टी काफ़ी अच्छी चीज़ है। फूड टेस्टर की बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको पैसेंजर फूड टेस्टर अफोर्डेबल मिल जाते हैं। साथ में कंपनी फिटेड ब्लैक कलर में साड़ी कार्ड का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। चैन सेटअप आपको फाइबर की बॉडी से कवर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इस गाड़ी की प्राइस के बारे में बात करें तो श्री श्याम होंडा कुरुद में इस गाड़ी का एक से शोरूम प्राइस 90,307 रुपये से शुरू होता है। अगर आप इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो तो आप डेफिनेटली शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों इस गाड़ी की माइलेज के बारे में बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि गाड़ी जो है 1 लीटर में आपको 65 से 70 किलोमीटर तक का माइलेज निकाल करके दे देगी। बाकी डिपेंड करते हैं आपके राइडिंग स्टाइल पर कि आप इस गाड़ी किस तरह से राइड करते हो। दोस्तों मैं वेरी स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा श्री श्याम होंडा कुरुद के मैनेजिंग डायरेक्टर गोविंद कुमार सर का, जिन्होंने मुझे इस गाड़ी का रिव्यू करने के लिए परमिशन दिया। दोस्तों अगर आप कुरुद या फिर कुरुद के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हो और आप होंडा कंपनी की कोई बाइक या स्कूटर परचेस करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली शोरूम में कॉन्टेक्ट कर सकते हो। शोरूम में आपको होंडा कंपनी के सभी बाइक्स और स्कूटर हमेशा अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। साथ में दोस्तों शोरूम का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है, जो कि बाइक या स्कूटी परचेस करने में आपकी पूरी मदद करने वाली है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।